गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, ये आपका चैप्टर है। अब बेसिकल ज्योमेट्रिकल आइडिया में आप क्या पढ़ोगे कि ज्योमेट्री के बारे में पढ़ोगे आप। अब देखो, ज्योमेट्री में क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, तो देखिए पॉइंट क्या होता है कि आपने कोई भी एक डॉट लगाया है ना, पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से, तो ये पॉइंट है। अब इसको, ये तो इसका सिंबल हो गया, ठीक है। अब इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, तो देखो इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, आपके कोई भी आपको लोकेशन फाइंड करनी है ना, तो लोकेशन को डिनोट करता है ये पॉइंट। अब पॉइंट की ना तो थिकनेस होती है, ना लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है। तो आपको याद रखना है कि पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन सच एज लेंथ एंड ब्रीथ और थिकनेस। कैपिटल लेटर में अगर हम ए बी सी किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, जैसे मानो हमने एक प्लेन बनाया है ना, अब इसके अंदर अगर हमने इस पॉइंट को रख दिया तो इस पॉइंट को अपन ए बोल सकते हैं, एक पॉइंट और बता दिया इस पॉइंट को बी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट है जो सिर्फ आपको लोकेशन फाइंड, लोकेशन को बताता है, और साथ ही पॉइंट में ना तो लेंथ होती है, ना ब्रिथ, और ना ही थिकनेस होती है। तो आपको समझ में आया पॉइंट। अब इसके बाद आएगा अपना सेकेंड पॉइंट है प्लेन। देखिए प्लेन क्या होता है, प्लेन इज अ सिंपली एंड फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस विच एज एक्सटेंड्स एंडलेस इन ऑल द डायरेक्शन। दैट मीन्स अब आपको क्या है, अब आपको एक फ्लैट स्मूथ सरफेस मिली है ना। अब जैसे कोई भी, जैसे यही इसको देखो, ये प्लेन स्मूथ सरफेस है ना, तो इसको हम प्लेन बोलेंगे। प्लेन क्या होता है, इसका कोई एंड नहीं होता, मतलब जहाँ तक आप देख रहे हो ना बिल्कुल फ्लैट सरफेस, वो सब क्या होती है, हमारी प्लेन होती है। इसके बाद प्लेन होती है प्लेन। अब जैसे हमने ये बना दिया है ना, अब कॉपी पे एक पार्ट बनाएंगे अपन प्लेन का, तो जैसे रेक्टेंगल की तरह हमने बना दी, ये भी प्लेन है लेकिन ये प्लेन का सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। अब प्लेन के अगर आप बात करते हैं तो प्लेन में एक तो लेंथ होती है, एक ब्रीथ होती है, थिकनेस नहीं होती है इसमें। ये टू डायमेंशन होता है, कितना डायमेंशन होता है, ये टू डायमेंशन होता है, 2D बोलते हैं जिसको अपन, 2D है। इसमें लेंथ होगी, ब्रीथ होगी, बट इसमें थिकनेस नहीं होगी। इसके बाद है कि प्लेन की बाउंड्री भी नहीं होती, क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं ना वहाँ तक सरफेस, मतलब वो एंडलेस है। जिस तरह से अपन स्पेस को देखते हैं, अब स्पेस कोई ख़त्म होता है या नहीं ना, जहाँ देखो वहाँ तक फैला ही रहता है स्पेस, उसी तरीके से प्लेन की बात कर रहे हैं कि प्लेन क्या है, इसका कोई एंडलेस नहीं है, है ना, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। अब जिसकी कोई अगर बाउंड्री नहीं है तो वो क्या होगा, जहाँ तक देखेंगे हम वहाँ तक वो फ्लैट ही फ्लैट दिखेगा, ठीक है। तो याद रखना है, अ प्लेन हैज़ नो बाउंड्री, द सर्फेस ऑफ अ टॉप ऑफ टेबल। अब जैसे अगर देखो, अभी टेबल है जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो टेबल है, तो टेबल की क्या है, हमारी सरफेस है जिसके ऊपर मेरा क्या रखी है, पेपर शीट रखी हुई है। तो टेबल की सरफेस को हम बोल सकते हैं ये हमारी पेपर शीट है जिसपे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके का सरफेस है। और भी आप बोल सकते हैं, जैसे वॉल है आपके घरों में, वॉल है आपके कमरे की, वॉल देखो आप, तो वॉल भी क्या है, एक तरीके की वॉल भी एक तरीके का प्लेन है, ठीक है। आप अपना फ्लोर देखिए, तो सीलिंग है ना, सॉरी फ्लोर देखो है ना, ऊपर की आपकी सीलिंग है, इसको देखो, और ना इसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं प्लेन के। आप आपके पास कोई भी फ्लैट चीज़ है, जिस तरह आप स्कूल में आते थे ब्लैक बोर्ड है, वो भी एक तरीके का प्लेन है। तो ये सब क्या है, ये जो अलग अलग छोटे छोटे आप देख रहे हो ना, ये प्लेन के पार्ट हैं, ठीक है। वी कैन नॉट ड्रॉ अ प्लेन ऑन अ पेपर, मतलब पेपर पे प्लेन को ड्रॉ ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ना तो उसका बाउंड्री पॉइंट है, ना वो एंडलेस है ना, वो एंडलेस है तो उसको हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। लेकिन हम बोल सकते हैं कि ओनली अ पार्ट ऑफ इट कैन बी ड्रॉ ऑन इट, कि अगर मानो हमारे पास बहुत बड़ा प्लेन है तो उसका एक छोटा सा पार्ट हम शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो वी ड्रॉ फिगर सच एज ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल इन अ प्लेन, वी कॉल देम प्लान फिगर। अब जैसे मानो ये है, इस पर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो ये क्या है, रेक्टेंगल। अब ये क्या है, प्लान फिगर है, ठीक है। अब इसी के अंदर जैसे हमने इसको डिनोट करें, अब इसी के अंदर अगर हम पॉइंट को भी लोकेट कर दें, अब ये पॉइंट ए है ना, या फिर इसको ये पॉइंट हो गया। और अगर आप इस पूरे प्लेन की बात करें तो इस पूरे प्लेन को आप क्या बोल दें, अगर इस पूरे प्लेन को आप क्यू बोल दो है ना, तो क्यू प्लेन बोलेंगे है ना, या फिर यहाँ बाहर लिख दो क्यू, तो ये प्लेन का नाम क्या है, क्यू प्लेन बोलेंगे। अगर हम इसके अंदर की पॉइंट की बात कर दें, अब जैसे ये अंदर हमने पॉइंट कर दिए ए पी क्यू, तो ये पॉइंट क्या है, ये रीड एज अ प्लेन ए बी सी है ना। अब इसको अगर ऐसे ही बोल सकते हैं अपन, अब इस प्लेन की अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं, ए पी क्यू इज अ प्लेन। और अगर हम पॉइंट की बात करें, अगर सिंपल पॉइंट पूछेंगे तो क्या बोल देंगे हम, पॉइंट है ए बी क्यू। ये ए पी क्यू क्या है, प्लेन के अंदर है ना,
तो ये इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। तो वैसे सिंपल आपको याद होगा है ना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर पॉइंट अंदर होते हैं किसी प्लेन के तो वो इंटीरियर हैं, बाहर की तरफ होते तो एक्सटीरियर हैं, अगर इस बाउंड्री पर कहीं होते तो फिर वो क्या होता, ऑन द बाउंड्री। लेकिन प्लेन की बात हो रही है तो प्लेन हमेशा याद रखना, प्लेन फ्लैट सरफेस होती है, 2D होता है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, बट इसकी थिकनेस नहीं होती है इसमें, और ना ही इसकी कोई बाउंड्री होती है, एंडलेस होती है। इसके बाद आएगा वो अपना थर्ड लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट क्या हो गया अब आपके, कि आपने कोई भी दो पॉइंट लेने हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लिए, हमने ले लिए दो पॉइंट, इसे हमने क्या बोला ए और बी। तो अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन हमारी क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट। देखिए कोई भी टू पॉइंट है, लिखना वी हैव टेक अ टू पॉइंट एंड ज्वाइन देम, इट्स मेड अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट मिलेगी सी डी, तो क्या होती है हमेशा आप याद रखेंगे लाइन सेगमेंट, इसको अपन कैसे लिखेंगे, ए बी, ए बी इज द लाइन सेगमेंट, इसको हम बी ए बी बोल सकते हैं है ना, ए बी बी ए दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो ये तो हमारी क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट हो जाएगी। अब देखो इसके बाद आएगा हमारा थर्ड है लाइन। लाइन क्या होती है, देखो लाइन में क्या होता है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह की, जहाँ क्या हो इस पर देखो दोनों तरफ एरो हैं, यानी कि इसका कोई एंडलेस पॉइंट नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन जो जिसमें क्या हो दोनों तरफ एरो हैं, यानी वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, ये इसको हमने बोल दिया ए, और इसी का एक पार्ट ले लिया बी। तो देखो बी भी आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, ए बी यानी इनके एंडलेस पॉइंट नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लाइन। तो हम क्या एक ये भी बोल सकते हैं, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेस इन बोथ साइड इज कॉल्ड अ लाइन। अब देखो ए और बी के तो दो पॉइंट ले लिए हमने, इसको ज्वाइन किया तो ये लाइन सेगमेंट हो गई ए बी, लेकिन अगर लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ एंडलेस ना एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि इसको भी आगे की तरफ और इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, अब इसका कोई पॉइंट ही नहीं है, है ना, एंड ही नहीं है, हम बस हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगी हमारी, फिर ये लाइन बन जाएगी। तो अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंड इन बोथ साइड एंड मार्क बाय एरो एट द टू एंड एंड्स रिप्रेजेंट अ लाइन ए बी, इट इज़ डिनोटेड ए बी और बी ए। अब देखो लाइन है, लाइन को किससे डिनोट करोगे आप, ए बी और ऐसे ये लगा दोगे है ना, तो देखो क्योंकि दोनों तरफ है ना, तो इसलिए क्या लग जाएगा, दोनों तरफ एरो लग जाएगा ए बी, हम ए बी भी बोल सकते हैं और बी ए भी बोल सकते हैं, लाइन ए बी लाइन बी ए कुछ भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन इज एंडलेस सो इट कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन अ पेपर, वी कैन ड्रॉ अ पार्ट ऑफ अ लाइन ओनली। देखो जिस तरह से प्लान था, प्लान भी एंडलेस था, तो उसको हम कहीं ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक उसका एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरीके से अभी लाइन है, अब देखो इधर भी एक्सटेंड है इधर भी एक्सटेंड, लेकिन हमने इसको इधर बना लिया, तो सिर्फ इतना सा जो हमने पार्ट बनाया है ना, ये लाइन का हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन इज एंडलेस सो इट कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन अ पेपर, वी कैन ड्रॉ अ पार्ट ऑफ अ लाइन ओनली। तो ये बात आपको याद रखनी है, अ लाइन हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इट हैज़ नो ब्रीथ और नो थिकनेस, ठीक है, लाइन हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। अब देखो क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है तो ये डेफिनेट तो है ही नहीं, इसके बाद साथ में आपकी क्या होती है, सिर्फ इसमें लेंथ होती है, ना तो इसमें ब्रीथ होती है ना ही इसमें थिकनेस होती है। तो लाइन को हमेशा याद रखना कि लाइन हमेशा, लाइन में क्या होती है, सिर्फ लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो थिकनेस। इसके बाद है अपना नेक्स्ट, अब देखो इसमें एक चीज़ और है लाइन में, कि लाइन हैज़ इन्फिनेटली मैनी पॉइंट। अब देखो जैसे ये लाइन है, अब इसमें हमने क्या लिया, ए एंड बी टू पॉइंट लिए, इस तरह से मैं और भी पॉइंट ले सकती हूँ ना, सी डी ई एफ जी एच आई जे, इन सबके नाम भी लिख सकते हैं अपन, ए बी सी डी एफ जी है ना। तो अभी तो हमने इतने बनाए, इसे और पास पास हम बहुत सारे बना सकते हैं ना पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे, अब देखो ये तो हमने सिर्फ लाइन सेगमेंट बनाए, अब ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है दोनों तरफ बढ़ती जाएगी, तो इसके मिड में कितने सारे पॉइंट होंगे, इन्फिनिटी पॉइंट होंगे ना, यानी उन पॉइंट को हम क्या कर सकते, डेफिनेट नहीं है वो, इन्फिनिटली पॉइंट हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, अ लाइन हैज़ इन्फिनिटली मैनी पॉइंट,
वी यूज स्मॉल कैस लेटर एल एम एन एक्सेट्रा टू डिनोट अ लाइन। अब देखो लाइन को हमने ए बी, ये तो लाइन सेगमेंट है, अगर सिंपल आप लाइन ड्रॉ करोगे ना तो उसको आप एल से एल लिख सकते हो, देखो एम लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, इस तरह कोई एक अल्फ़ाबेट है ना उससे अपन इसको शो कर सकते हैं, ये लाइन है। इसके बाद देखिए अब है नेक्स्ट टॉपिक है अपना रे। रेज क्या होती है अपनी, इसका कोई एक इनिशियल पॉइंट होता है और इस इनिशियल पॉइंट से आपको क्या होगा एक एक्सटेंड है ना करेंगे इस, ये देखो इसका इनिशियल पॉइंट होगा और वहाँ से हम एक रेज को एक्सटेंड करेंगे जो आगे की तरफ इन्फिनिटी जाएगी है ना, यानी इसका एक कॉमन पॉइंट होता है, यानी फर्स्ट पॉइंट तो है लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है वो एंडलेस है, वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, हमें पता नहीं है। जैसे रेज की एग्जाम्पल क्या, जैसे अपन ने सन है, सन में रेज निकलती है ना, देखो अभी सन में रेज है तो सन का इनिशियल पॉइंट तो ये सन है, अब इससे रेज निकल रही है तो ये कहाँ तक आ जाती हैं, इतनी आगे तक बढ़ती जाती है ना, तो इनका कोई लिमिट है क्या, इसकी लिमिट नहीं, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, ये भी इन्फिनिटी है, यानी एक तरफ तो इनिशियल पॉइंट हो गया और एक तरफ ये आगे बढ़ती जा रही है। ये देखो सारी रेज होती हैं सन के अंदर, तो ये आपको पता है। तो इसी तरह से रेज का क्या होगा कि रेज को भी हम क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब किसी प्लेन में किसी में डिनोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका एक सेकेंड पॉइंट तो क्या है एंडलेस है, लेकिन अगर हम कोई भी रे किसी पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो उसका हम सिर्फ एक पार्ट ड्रॉ करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट एंड एक्सटेंड इन्फिनेटली इन वन साइड। जैसे सन रेज का हमने बता ही दिया है आपको, द इनिशियल पॉइंट इज यूज अलॉन्ग विद वन मोर पॉइंट ऑन द रे ऑफ रिप्रेजेंट अ रे, द इनिशियल पॉइंट इज रिटर्न फर्स्ट टू डिस्क्राइब रे। अब जैसे ये है, अब अगर हम कोई लाइन भी बनाते हैं, जैसे हमने ये लाइन बनाते हैं, देखो ये क्या है हमारे ए और बी, ए और बी तो लाइन सीक्वेंट होगी लेकिन इसको और आगे तक एक्सटेंड कर दिया हमने, तो ए से ए, तो अभी ये देखो कितनी रे हो गई, टू रे हो गई ना, इसको हम क्या बोलेंगे ए बी इज रे है ना, और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है विथ इनिशियल पॉइंट ए। और देखो अगर इसको हटा के सिर्फ अगर हम यहाँ से भी देखें तो बी से भी एक रे स्टार्ट हो रही है, तो इसमें बी रे भी है, इसमें ए रे भी है, ठीक है, और इसको एक साथ बोलेंगे तो हम इसको ए बी भी बोल देंगे, तो ए बी रे हो जाएगी। इसी तरीके से एक और अगर हम पॉइंट ऐसे लेते हैं कि देखो इसको हमने बनाया, अब जैसे इधर की तरफ बनाते हैं अपोजिट पे ना, ए एल एम और इस तरीके से आगे की तरफ जा रही, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया ए, तो हम क्या बोल सकते हैं ए एल ए एन आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम रे सच एज इन इनिशियल पॉइंट ए। तो देखो एक तो ए एम हो जाएगी, एक ए एल हो जाएगी, ये हमारे क्या हो जाएंगी, ये हमारी रेज हो जाएंगी। तो आपको समझ में आया, देखो कोई भी रे अगर टू पॉइंट है तो ए बी रेज बोल दिया, अगर ये वाली ए है तो इनिशियल पॉइंट तो एक ही रखना है ना, तो ये कितनी हो जाएगी अपनी ए एल रे एंड ए एम रे, तो एक पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट पर रखना। अगर इसमें भी अगर अपन और पॉइंट बना देते सी, तो फिर अपना क्या हो जाता है, एक तो ए बी और एक अपनी रे क्या हो जाती है ए सी रे हो जाती है। अब रे को किस तरह डिनोट करोगे, जैसे हमने अगर ए एल बनाया है ना, ए एल लिखा, तो इस तरीके का साइन आया, तो ये साइन किसका होता है, रे का होता है, ए एम ये साइन, तो रे का साइन आपको याद रखना है, ये रे का साइन भी है। अब देखो एक इनिशियल पॉइंट हमने ये लिया, अब इससे कितनी रेज निकालते हैं अपन, देख एक जिस हमने ओ और ये क्या हो गया ए और ये बी, तो एक रे क्या हो गई अपनी ओ ए रे, एक क्या हो जाएगी हमारी ओ बी रे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो ओ ही है ना, तो इनिशियल पॉइंट एक होना चाहिए, और उसके बाद देखो ओ ए ओ बी ये सब भी क्या है हमारी डिफरेंट रेज हैं लेकिन उनका इनिशियल पॉइंट एक ही है। इसके बाद अब आएगा आपका सेकेंड रेज, आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब है पेयर ऑफ लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन्स, तो पेयर ऑफ लाइंस में है अपनी फर्स्ट लाइन है अपनी इंटरसेप्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है आपकी, कि आपके पास कोई भी टू लाइन है और वो दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो इसे हम क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन अपने पास ये है, तो ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू इंटरसेक्ट लाइन है क्योंकि क्या कर रही है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी भी पॉइंट ओ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे ए बी एंड पी क्यू इज अ इंटरसेक्ट लाइन एट एंड इट इज अ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ।
और देखो ये जो ओ पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे इस ओ को हम, इस ओ को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है, तो देखो टू लाइन है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो पॉइंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मोर देन, है ना, थ्री और मोर देन, है ना, थ्री लाइंस, देखो जैसे हमने करा वन टू और टू लाइन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर थ्री लाइन है ना, थ्री और मोर देन थ्री, जैसे फोर फाइव, इस तरह की बहुत सारी लाइन हो जाएगी, है ना, तो आपको ये याद रखना है थ्री और मोर देन, थ्री और मोर देन लाइन जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी सेम पॉइंट पर, तो ये जो लाइन होती है हमारी, इन लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट लाइन। ये सारी की सारी लाइन, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ये सारी लाइन, ये सब लाइन हमारी क्या कहलाएंगी, ये सारी लाइन हमारी क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट लाइन। और ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोल लेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस। देखो ये कॉन्ग्रेंट लाइन है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस। तो याद रखना है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि आपको कॉन्ग्रेंट लाइन फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसी लाइन देखोगे जो क्या हो, थ्री, या तो थ्री हो या मोर देन थ्री हो, और पास आउट होनी चाहिए किसी सेम लाइन से। अगर किसी सेम लाइन से पास आउट हो रही है तो वो लाइन हमारी कॉन्ग्रेंट लाइन कहलाएंगी, और वो जो पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है कि आपके पास कोई भी टू लाइन है, टू लाइन, लाइन को हमेशा दोनों तरफ एरो बना के शो करना, ठीक। तो अगर आपके पास कोई भी टू लाइन है और टू लाइन के मिड का डिस्टेंस अगर सेम है, जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, है ना, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेकेंड लाइन का, देखो ये सारे डिस्टेंस हमारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट। अगर हमने टू हुए ना, टू करा ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टू 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 टू, यानी इन दोनों की मिड की डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकती है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना, कुछ भी। तो हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से इन, या आपके पास कोई भी टू लाइन है, उनके मिड की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आपकी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ठीक। सेकेंड चीज़, ये जब आपस में कॉन्स्टेंट होंगी तो क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो सेकेंड चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी दो लाइन जो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर हम इनको कितना भी एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ, लेकिन अगर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। तो देखो पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज़ पे बोल रही हूँ आपको, द डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ लाइन इज ऑलवेज द सेम, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड इफ द लाइन कुड बी प्रोड्यूस थ्रू एनी डिस्टेंस बियॉन्ड द पेज ऑफ द बुक, दे वुड नेवर मीट। अब देखो जिस तरह से हम दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे, बट ये कभी मीट मिलेंगी नहीं, इसलिए मैंने क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो देखो पैरेलल लाइन, इनको शॉर्ट में अपन ऐसे भी लिखते हैं, पैरेलल लाइन। ये साइन किसका होता है, ये साइन हमारा किसका होता है, पैरेलल। किसको डिनोट करता है ये, पैरेलल। जब भी पैरेलल लिखना है तो आप इस तरीके की टू लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इसका मतलब भी क्या होता है, पैरेलल। अब देखो ये क्या हो जाएगी, इस लाइन को हम L और इस लाइन को हम M बोले, तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, इसको इस तरीके से लिखा जाए। अब इसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको इससे पहले पूछूं, जैसे पैरेलल लाइन है ना, इसकी एग्जांपल आप बता सकते हो ना, अगर हम पूछें आपको पैरेलल लाइन की एग्जांपल बताओ, है ना, अपने डेली लाइफ से, तो क्या बताओगे आप। देखो ट्रेन देखिए, सबने ट्रेन की पटरी होती है, पटरी कैसी होती है, जिस पे ट्रेन चलती है ना, पटरियाँ हैं ना ये। अभी पटरी कितनी होती है अपनी, पैरेलल होती है, कभी ज्वाइन होती है क्या, ज्वाइन नहीं होती ना, तो ये पटरियाँ क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, तो रेल की पटरी। उसके बाद आपने स्केल देखा है ना, आपके पास रूलर है, स्केल है, ये भी क्या होते हैं, इसमें ऊपर वाली सरफेस, ये ऊपर वाली ये है ना अपनी, और ये नीचे वाली लाइन है ना, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो ये और ये,
क्या होते हैं हमारे, पैरेलल होते हैं। इसी तरह से अगर हमने पेज लिया है तो इसके ऊपर और इसके नीचे ये दोनों क्या हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस तरह से लेंथ आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब है अपना परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या है, लाइन क्या होती है, आपके पास कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका एक बिल्कुल सेकेंड लाइन है ना, 90 डिग्री का एंगल बना है। एक लाइन है एल और एक लाइन है हमारी, इसे अपन आगे की तरफ बढ़ा लो सीधी, इसको लाइन एम बोलते हैं। तो लाइन एल और एम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और इनके मिड में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम क्या बोलेंगे, लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम। यानी आपको याद रखना है कि लाइन एल और एम के मिड में अगर आपके 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों लाइन क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे लाइन, ये लाइन एल है और इसको सिर्फ यहाँ तक कम कर दिया हमने ना, ये लाइन ऐसे यहाँ तक है, तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। तो ऐसे भी बना सकते हैं अपन, ऐसे भी बना सकते हैं अपन, देखिए 90 डिग्री एंगल बन गया। लेकिन अगर आपको देखो हम ऐसे बना दें, अब ये बताना मुझे है ना, जैसे ये लाइन है और हमने ऐसे बना दिया एक, ये और एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, अब बताओ ये परपेंडिकुलर है क्या? तो आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके मिड में 90 डिग्री का एंगल नहीं है। अभी कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन 75 डिग्री लिख दें या कुछ भी, जब तक ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा दैट मीन्स बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं हो जाएगा ना, स्ट्रेट इस तरह से नहीं हो जाएगा, तब तो अपन उसे परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो ये क्या है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है, इसे एल और एम है, तो एल एम इज़ नॉट परपेंडिकुलर। बट अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे, एल इज़ परपेंडिकुलर टू एम। देखो ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, कैसा होता है, ऐसे और ऐसे, ये क्या है, परपेंडिकुलर का साइन है। तो हम क्या लेंगे, एल इज़ परपेंडिकुलर टू एम। पैरेलल का साइन क्या होता है, हमेशा ऐसे होता है, ये क्या है, पैरेलल का साइन है। तो याद रखना ये पैरेलल का साइन है, ये हमारे परपेंडिकुलर का साइन है, जिस तरह एल और एन है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे एल इज़ परपेंडिकुलर टू एन। देखो एल इज़ परपेंडिकुलर टू एन भी बोल सकते हैं, एन इज़ परपेंडिकुलर टू एल ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, तो ज़रूरी नहीं एल इज़ परपेंडिकुलर टू एन लिखा, हम एन इज़ परपेंडिकुलर टू एल भी लिख सकते हैं। और अगर 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती है तो फिर उसे हम कर लेंगे वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर आप हैं, आप सीधे स्ट्रेट खड़े हो है ना, आप फर्श पर स्ट्रेट खड़े हो, तो आप फर्श से कितने डिग्री का एंगल बनाए हो, आप बनाए हो 90 डिग्री का। जैसे देखो ये आप हो है ना, अब ये अपना फर्श है, इस फर्श पर आप बिल्कुल सीधे से खड़े हो जाते हो। जब आप देखो यहाँ से देखें इस तरीके से ना, अब देखो जैसे हम यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं तो ये फर्श है और ये हम खड़े हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल, और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है। अगर आप आगे की तरफ झुक गए तो आप 90 डिग्री के एंगल पर नहीं हो, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेट हो है ना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो तो यहाँ से फर्श और आप में कितने डिग्री एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। और आप क्या बोलोगे कि आप फर्श के क्या हो, परपेंडिकुलर, और फर्श भी आपके क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको याद रखना है कि अगर दो लाइन के मिड में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनके मिड की डिस्टेंस सेम होती है, तो वो लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। अगर लाइन है, ठीक है ना, अब मैं सिर्फ डिवीज़न करा रही हूँ आपको है ना, ये कंप्लीट हो गया। अगर लाइन ऐसी हैं कि टू लाइन है और वो आपस में क्या हो, आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें, जैसे इसको मिलाया इसको, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर गई ना, तो ये लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट लाइन कहलाएंगी। यानी कि इन दोनों के मिड का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के मिड का डिस्टेंस सेम नहीं है। तो जब इन दोनों के मिड का डिस्टेंस सेम नहीं है तो इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, कहीं ना कहीं जाके ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट लाइन। बट अगर लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, अगर लाइन आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी एक्सटेंड करें, तो वो लाइन हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइन। तो अपना 4.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थैंक यू।